दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ, इसका जो डैशबोर्ड है अंदर की, इसकी लाइट वगैरह है। अच्छा उस्ताद, इसकी अभी बैटरी फुल चार्ज है, तो अभी आप सीधा घर से ही निकल के आ रहे हैं? अच्छा, अभी आप रात भर चलाएंगे? रात में 3 बजे तक चलाएंगे। 3 बजे तक? और दिन में आप चलाते नहीं हैं? अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो सीट है बहुत ही बढ़िया है, एकदम VIP इन्होंने सीट को बनाया हुआ है। कलर भी बहुत ही शानदार है और लाइट इन्होंने लाइट भी लगाया है लाल कलर की। और इस पे ऊपर जो इनका जो हुड है, ये रेगजीन का इन्होंने अंदर से सीलिंग लगाया हुआ है, और ऊपर से भी ये नीले कलर का। ये ऊपर वाला तो कंपनी का ही है, अलग से लगवाया? ऊपर भी आपने अलग से लगवाया? हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रूपचंद साहू आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेकर, एक नई जानकारी लेकर। आज हमारे सामने में देश की सबसे नंबर वन ऑटो कंपनी बजाज, उसकी हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं और पूरा आपको कस्टमर का रिव्यू शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे की बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख सकते हैं कि ये जो बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, इसका कलर बहुत शानदार है और गाड़ी भी देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। अच्छा, तो आपने कितने में खरीदा है? अच्छा, गाड़ी अगर कोई नगद में खरीदते हैं तो 3,30,000 की, तो आपने फाइनेंस करवाया है। तो अभी आप इसको जैसे दिन भर चलाते हैं तो एक बार चार्ज करते हैं फोन तो कितने किलोमीटर चल जाते हैं? अच्छा, आपने कभी पूरा यूज़ किया है कि नहीं? कभी नहीं किया? अच्छा, पूरा चलने का सर। अच्छा, तो लंबे टूर आप जाते नहीं? अच्छा, यदि आप इसको एक बार फुल चार्ज करते हैं तो चार्जिंग का टाइम कितना लग जाता है? 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो आप इसको चार्ज कहाँ करते हैं, घर पे करते हैं या बाहर करते हैं? अलग से स्पेशल पॉइंट आपने बनाया है कि आप कंपनी लगा के दे रही है? अच्छा, चार्जिंग पॉइंट बना के दे रही है, तो उसका कंपनी अलग से लगाने का पैसा भी देती है? नहीं देती। अच्छा, जैसे आप इसको 4 घंटे में फुल चार्ज करते हैं तो कंपनी को 180 किलोमीटर बोलती है? अच्छा, कंपनी ने कितना बोला, कितने किलोमीटर? 178। मेरी सवारी बैठा कर चलाते हैं तो 150 किलोमीटर पूरी सही जाती है। अगर आप सवारी ज़्यादा बैठाते हैं तो आपको 25 किलोमीटर का डिफ्रेंस मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू 4-5 सवारी दिन भर चलाते हैं तो आपको 120 से 130। तो जैसे कि आप 2 महीने चला रहे हैं तो आपको गाड़ी चलाने में कैसी लगेगी? बढ़िया है, सही बात बता रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा फेल है, उसके चार्जर खराब हो जाते हैं, बैटरी खराब हो जाती है। तो इसके पहले आप क्या काम करते थे? CNG वाली बजाज की आ रही, CNG वाली, तो वो वाली गाड़ी आप उनकी थी या किसी और की चला? अच्छा, तो फिर चार्जिंग आप कैसे लगे? आप समझो रास्ते में कहीं खड़ना होगा। अच्छा, वही अच्छा, कहीं बाहर नहीं होता है? अच्छा, तो आप चार्जिंग पॉइंट और कहाँ कहाँ पे बना हुआ है आपके? तो आपने कभी वहाँ पे चार्ज किया है? तो वहाँ कितने देर में चार्ज होता है? अच्छा, जो टाइम घर पे लगता है वही टाइम वहाँ पे भी लगता है? तो कंपनी में पैसा लगता है कि आप चार्ज करेंगे? पैसा लगता है, पैसा लगा है जब पैसा नहीं दिया। अच्छा, तो कितना पैसा कंपनी में लग जाता है? जब तो आप जो बना रहे हैं 35 रुपये घंटा कंपनी में। इसलिए आपने बहुत सारी चीज़ें सजावट के लिए लगाया है, केक वगैरह आपने लगता ही बनाई है, तो इसका खर्चा आप कितना इसमें आपने पैसा खर्च किया? 16,000-17,000। तो जो कंपनी का हुड वगैरह था, फिट वगैरह थी, आपने वो सब आप चालू करते? दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो बजाज की आ रही इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, उसमें जो फीचर है काफ़ी शानदार है। इसका डैशबोर्ड भी काफ़ी स्टाइलिश है, एकदम पार्किंग जैसे है।
दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो डैशबोर्ड है अंदर की इसकी लाइट वगैरह है। अच्छा उस्ताद, इसकी अभी बैटरी फुल चार्ज है तो अभी आप सीधा घर से ही निकल के आ रहेंगे? अच्छा, अभी आप रात भर चलाएंगे? आपको 3 बजे तक चलाएंगे। 3 बजे तक? और दिन में आप चलाते नहीं हैं? अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो सीट है बहुत ही बढ़िया, एकदम VIP इन्होंने सीट को बनाया हुआ है। कलर भी बहुत ही शानदार है और लाइट इन्होंने लाइट भी लगाया है लाल कलर की। और इस पे ऊपर जो क्या बोलते हैं इसको, अस्तर, फुट का अस्तर है। हाँ, अस्तर अस्तर, ये रेगजीन है ना? अच्छा, इनका जो हुड है ये रेगजीन का, इन्होंने अंदर से सीलिंग लगाया हुआ है और ऊपर से भी ये नीले कलर का। ये ऊपर वाला तो कंपनी का ही है, अलग से लगवाया? ऊपर भी आपने अलग से लगवाया? अच्छा, और ये जो पाइप वगैरह है ये आपने सब अलग से लगवाया है? कंपनी का, वो आपने लगवाया है। अच्छा, ये पीछे के आपने लगवाया है, ये कंपनी का है? अच्छा, जैसे अभी सवारी बैठती है तो उसके सर में लगने का कोई चांस ही नहीं है, आपने हाइट करवा दी है पहले? इतनी हाइट है। अच्छा, इतनी हाइट है। अच्छा, ये भी आपने अलग से लगवाया है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने एक आगे थोड़ा सा स्पेस बनाया हुआ है बैठने के लिए। और इनका कहना है कि ड्राइवर की जो सीट है यहाँ पे स्पेस कम है पैर रखने में। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये परेशानी जो है कि जो सीधा आप बैठेंगे तो आपके पैर आएंगे नहीं, थोड़ा सा इसमें जगह ज़्यादा होनी चाहिए थी, अभी जगह कम है, पैर बराबर आ नहीं रहे। आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रूफ है। अच्छा, जैसे कि अगर आपको ये जानकारी पहले होती कि अगर ऐसा होता है तो आप गाड़ी लेते कि नहीं लेते? नहीं लेते। तो आप लेने से पहले आपने इंक्वायरी नहीं की थी? ऐसा क्या मालूम थी, छोटी हो जाएगी गाड़ी पहले से? अच्छा, क्योंकि गाड़ी भी देखने में वैसे छोटी लग रही है। गाड़ी छोटी है, सिर्फ स्पेस कम है आगे। अच्छा, बाकी स्पीड में चलने में वैसी गाड़ी कैसी है? एक नंबर है। अच्छा, कितने तक स्पीड चलती है? 50-53 तक। अब कंपनी ने स्पीड क्या बताया है? 50-53। अच्छा, और बाकी और कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई? नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आई? अच्छा, और आप ऑनलाइन भी चलाते हैं ओला उबर जैसे कुछ? नहीं, खाली जो आप सवारी में चलाते हैं जो पैसा मिलता है उसमें ही। ये जो गाड़ी का ओनर है इन्होंने जो जानकारी बताई है वो आपके समझ में आ गई होगी, आपको पसंद आई होगी। जो लोग अगर आज के डेट में बेरोजगार बैठे हैं, अगर किसी को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदना है तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी है, बहुत सारी कंपनियों पे मैंने वीडियो डाली है, जिसमें आपको 3 ब्रांड नंबर 1 मिल जाएंगे, जिसमें महिंद्रा के प्रियो ऑटो। आपको बेरोजगार ना रहें और बेरोजगार ना बैठे, क्योंकि आज के डेट में ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप इलेक्ट्रिक ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा खरीद कर आपका जीवन यापन आराम से कर सकते हैं, कमाई भी अच्छी हो, खरीदने में आसानी हो और लेने के बाद में उसे पछताना ना पड़े। डिसाइड आप कर सकते हैं कि आपको कौन सी खरीदनी है। मार्केट में बहुत सारी ई रिक्शा है और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।